हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब भाई? आज भी जो है अपना संडे का दिन है और आपका भाई आज फिर निकलने चुका है अपने धरनों को लेकर के घर से। और कहाँ जा रहा हूँ वो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई। आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को अच्छे से वॉश करवाने। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं फटाफट वॉशिंग सेंटर की ओर और अपन गाड़ी को कराते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन, ऊपर से नीचे से बिल्कुल साफ करवाते हैं और फिर जो है ना गाड़ी को अपन सेफली पार्क करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई बारिश के सीजन में अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गाड़ी को लेकर के। चलिए, सो गाइस बेसिकली क्या होता है ना कि बारिश का जो सीज़न आता है, जब मानसून आता है भाई, तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है और गड्ढे हो जाते हैं। तो भाई गाड़ी को भी ना कई सारी जगह दिक्कत आती आती है। तो भाई वैसे भी रोड तो आपके सामने ही है, देख सकते हो आप, जगह जगह झीलों की नगरी में झील बनी हुई हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे बहुत सारी ऐसी जगह भी आने वाली हैं। तो क्या होता है ना कि भाई गाड़ी हमारी गड्ढों में जाती है, कीचड़ लगती है, मिट्टी लगती है, रेत लगती है, जो डस्ट होती है वो सब पूरी गाड़ी के अंदर लग जाती है भाई, जिससे बहुत सारी दिक्कत आती है हमें। और एक्चुअली मैं अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अपन बारिश के सीज़न में यानी मानसून में जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो बंद क्यों पड़ जाती हैं, परेशान होते हैं जो लोग मानसून में, तो भाई वो लोग क्यों पड़ते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहली बात तो यही है कि देख लो भाई, जगह जगह पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। लोग बाग अपनी गाड़ियाँ उसमें चलाते हैं और उसका जो सही तरह से मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को जो है दिक्कत आती है। तो भाई रोड्स देख ही सकते हो आप लोग, इस तरह से हर जगह ही रोड आपको खुद ही मिलेंगे। भाई कई बार ऐसा मैंने देखा है भाई कि बारिश के मौसम में लोगों की ये शिकायत होती है भाई कि हमारी गाड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो भाई उसकी जो एक्चुअल वजह वो यही है कि भाई सही तरह से कार का मेंटेनेंस नहीं हो पाना, उसकी वजह से जो है गाड़ी आपको परेशान कहीं ना कहीं बारिश में कर ही देगी। तो भाई उससे बचने के लिए कि आपकी गाड़ी आपको पूरे मानसून में कहीं भी परेशान ना करे, कहीं भी बंद ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को जो है ना फटाफट अभी लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वो जो घंटी है ना घंटी को भाई ठोक देना ताकि और भी जो अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो भाई रोड्स आप देख ही रहे हो, गाड़ी को जो है ना काफ़ी नुकसान होता है ऐसे रोड्स पर और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से भाई गाड़ी जो है ना आपको मानसून में कहीं ना कहीं परेशान कर देती है। तो भाई उन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे से लेकिन इम्पोर्टेंट्स जो है ना टिप्स देने वाला हूँ। भाई क्या तो रास्ते हैं यार, मतलब सच में देखो आप, ये को झील आ गई सामने, भैया ने हाथ दे दिया मतलब कि बस हम ही हैं, आपको निकलना हो आप निकल जाओ। भाई ऐसा लग रहा है जैसे नाव चला रहा हूँ मैं, देख रहा हो भाई रोड देख रहा हो आप। सो फ्रेंड्स मानसून आते ही हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं सबसे पहले नंबर पर रखना चाहूँगा भाई अपनी विजिबिलिटी को, यानी कि अपनी विंडशील्ड। तो भाई अपनी जो विंडशील्ड है इसको अपने को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्या होता है अगर आप गाड़ी को कवर करके नहीं रखते हो या फिर बारिश गिरती है, पानी गिरता है, फिर सूखता है, फिर गिरता है, फिर सूखता है, तो उससे क्या आपकी विंडशील्ड काफ़ी मतलब डैमेज हो जाती है, काफ़ी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। तो बस वही है भाई, उसको अच्छे तरीके से साफ हमें करना चाहिए। और बाकी तो भाई आगे तो पुलिस वाले खड़े लगता है, चेकिंग चल रही है आ रहे हैं। चलो देखते हैं भाई कोई हाथ देता है कि नहीं देता अपन को भी। भाई चेकिंग चल रही है आजकल, क्या दो एक महीने का कोई अच्छा सा अभियान टाइप का चल रहा है जिसमें गाड़ियों की कई सारी जगह चेकिंग चल रही है। भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लेके निकलो घर से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई आपको कहीं नहीं रोकेगा। तो भाई मुझे तो हाथ नहीं दिया अभी किसी ने भी। भाई चलते हैं बैक टू टॉपिक। विंडशील्ड साफ करने का मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप बारिश में चलोगे तेज, भाई तेज जब बारिश पड़ेगी ना तो कांच आपका जो है ना सही तरह से साफ नहीं होगा, अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाएगा, भले ही वो वाइपर है आपके, वाइपर उसको अच्छे से साफ करेंगे। तो भाई वाइपर ब्लेड्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वाइपर ब्लेड्स कहीं आपकी डैमेज तो नहीं है, कहीं पानी छोड़ तो नहीं रही। उसमें क्या होगा ना आपकी विजिबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी आएगी अगर आपकी वाइपर ब्लेड्स भी क्लियर साफ होंगी तो। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड टॉपिक की। भाई सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो है आपका ब्रेक्स। तो भाई आप अपने ब्रेक्स को जो है ना हमेशा प्रॉपर चेक कर लें। जब भी मानसून आता है तो मानसून आने के पहले एक बार अपने कार के ब्रेक्स को अच्छी तरह से चेक करवा लें। अगर ब्रेक शू ब्रेक पैड घिस गए हैं तो भाई ब्रेक पैड चेंज करवाएं और ब्रेक्स को आप मतलब प्रॉपर रखें। बाकी जो उनमें टायर्स में ग्रीसिंग वगैरह होती है भाई, ग्रीसिंग वगैरह का ध्यान रखें, ऑयल वगैरह का ध्यान रखें। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। बाकी अपन चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ
जो कि मैं उतर के बताता हूँ गाड़ी में से। सबसे पहले अपने टायरों को जो इस तरह से अच्छे से वॉश करवा लें नीचे से ऊपर तक। इससे क्या होगा कि भाई जो ब्रेक कंडीशन है वो आपकी कीचड़ मिट्टी लगी होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी। इसके बाद फिर अपन उसमें आयलिंग ग्रीसिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है गाड़ी के जो है ना ड्रेन होल्स होते हैं जो कि भाई कचरा मिट्टी जमने से जो है ना बंद हो जाते हैं। वो देखो पानी निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है तो वो ड्रेन होल्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। भाई ये ड्रेन होल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो केबिन के अंदर पानी आ जाएगा और अपना कारपेट जो है ना रील हो सकता है। देख सकते हो आप लोग कार जो है बिल्कुल चकाचक हो चुकी है, देख लो भाई धुलवा लिया अपन ने। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कि बारिश में जो परेशान होने का थर्ड अपना रीज़न होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए जो है मुझे बोनट खोल के दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई तीसरी जो सावधानी आपको रखना है वो तीसरी सावधानी क्या रखना होती है। भाई बोनट खोल लिया मैंने और मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो आपके बैटरी के ये पॉइंट्स हैं इन पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है क्योंकि भाई यहाँ पे जो है ना कार्बन जम जाता है, तो भाई कार्बन जम जाता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना स्टार्ट होने में सेल्फ लेने में काफ़ी दिक्कत देती है और बारिश में जो है ना कई जगह खड़ी हो जाती है। तो भाई इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए बारिश के सीज़न में, ठीक है। सो गाइज़ ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताई हैं कि भाई जब मानसून आता है तो व्यक्ति क्यों परेशान होता है, जो ऑनर्स हैं कार के वो कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से भाई उन लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाई ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो मानसून में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अगर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस चीज़ को ज़रूर से ऐड करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं गाड़ी को पार्क करने।